हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब सुनने में आ रहा है कि सरकार अनरजिस्टर्ड फूड ब्रांड्स पर 5% जीएसटी लगाने के बारे में विचार विमर्श कर रही है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि एज ऑन डेट लीगल पोजीशन क्या है, क्या अनरजिस्टर्ड फूड ब्रांड्स पर जीएसटी लगता है या नहीं, ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है और सरकार एक्चुअली करना क्या चाह रही है। ब्रांड नेम के साथ कुछ वैल्यू अटैच्ड होती है, तो प्री जीएसटी एरा में भी ब्रांडेड आइटम्स को एक अलग पायदान पर रखा गया था। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल एक्साइज के केस में फूड आइटम्स जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, केक, पेस्ट्री, जो चैप्टर 20 के आइटम्स थे, वो अगर अनब्रांडेड थे तो उन पर नील रेट ऑफ ड्यूटी थी, लेकिन अगर वो ब्रांडेड थे तो उन पर आई थिंक 8% रेट ऑफ ड्यूटी थी। हाँ, लेकिन जीएसटी आने से पहले ये जो ब्रांडेड और अनब्रांडेड का डिफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट था वो बहुत ही सिलेक्टिव था, बहुत थोड़ा था, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। जीएसटी आने के बाद अनब्रांडेड और ब्रांडेड के बीच में अलग टैक्स ट्रीटमेंट एसेंशियल कमोडिटीज तक पहुंच गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्टेपल फूड तक, आटा, चावल और बाकी सभी ग्रेन्स। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली जब सरकार जीएसटी ला रही थी तो ये तो बहुत क्लियर था कि जो एसेंशियल कमोडिटीज होती है, जैसे हमारा स्टेपल फूड आटा है, चावल है, इसे टैक्स फ्री रखना। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो एफ्लुएंट फैमिलीज होती है वो आटा और चावल भी सिर्फ ब्रांडेड ही खरीदती है। तो ये प्रपोज किया गया कि ऐसे ब्रांडेड फूड आइटम्स पे टैक्स लगाओ। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इनिशियल मई 2017 में, प्रिसाइजली 15 मई 2017 को ये डिसाइड हुआ कि वो फूड आइटम्स जो एक यूनिट कंटेनर में पैक्ड है और जिन पर रजिस्टर्ड ब्रांड नेम लगाया गया है, उन पर 5% जीएसटी लगेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चला, उन्होंने अपने रजिस्टर्ड ब्रांड नेम्स को अनरजिस्टर करवा लिया इस टैक्स से बचने के लिए। अब यहां सरकार बहुत स्मार्ट निकली, उसने अपना इनिशियल नोटिफिकेशन ही अमेंड कर दिया और एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की अनरजिस्टर्ड ब्रांड नेम की। और रजिस्टर्ड ब्रांड नेम की एक डेफिनेशन दी, जो ब्रांड नेम्स ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट उनमें रजिस्टर्ड है, वो तो रजिस्टर्ड ब्रांड नेम की डेफिनेशन में आएंगे ही। लेकिन मजेदार बात ये थी कि जो ब्रांड नेम्स 15 मई 2017 को रजिस्टर थे, भले से वो बाद में अनरजिस्टर हो गए हो, वो भी रजिस्टर्ड ब्रांड नेम की डेफिनेशन में कवर होंगे। ऐसा क्यों? ये 15 मई 2017 वही डेट थी जब जीएसटी काउंसिल ने रजिस्टर्ड ब्रांड नेम पे टैक्स लगाने का डिसीजन लिया था, जिसके कॉन्सिक्वेंटली लोगों ने अपने रजिस्टर्ड ब्रांड नेम अनरजिस्टर करवा लिए थे इस टैक्स से बचने के लिए। तो सरकार ने कहा, अगर आप 15 मई 2017 को आपका ब्रांड नेम रजिस्टर था ना, तो आप रजिस्टर्ड ब्रांड, आपका ब्रांड नेम रजिस्टर ही कंसीडर होगा,
भले से आपने उसे बाद में अनरजिस्टर करवा लिया हो। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। तो अब ब्रांड नेम की दो कैटेगरीज क्रिएट हो गई, एक रजिस्टर्ड ब्रांड नेम और दूसरा अनरजिस्टर्ड ब्रांड नेम। रजिस्टर्ड ब्रांड नेम का तो बहुत सिंपल सा है कि अगर आपका ब्रांड नेम आज रजिस्टर्ड है या 15 मई 2017 को रजिस्टर था, भले से अब आपने उसे अनरजिस्टर करवा लिया हो, इरिस्पेक्टिव, आप ऐसे रजिस्टर्ड ब्रांड नेम को यूज करते हो एक यूनिट कंटेनर के ऊपर, तो आपको टैक्स देना ही देना है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अनरजिस्टर्ड ब्रांड नेम के केस में अगर आप अनरजिस्टर्ड ब्रांड नेम को यूज करते हो, लगाते हो, तो आपको भी टैक्स देना है। लेकिन आप अनरजिस्टर्ड ब्रांड नेम के केस में जीएसटी से बच सकते हो एक कंडीशन पर, अगर आप उस अनरजिस्टर्ड ब्रांड नेम पर अपने एक्शनेबल क्लेम या एनफोर्सिएबल राइट को फॉरगो कर देते हो। मतलब अगर आप अनरजिस्टर्ड ब्रांड नेम यूज कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर आपने अपने उस पर एनफोर्सिएबल राइट फॉरगो कर दिए ना, तब आप जीएसटी से बच सकते हो। ये एनफोर्सिएबल राइट फॉरगो करना मतलब आप उस ब्रांड नेम पर अपने एक्शनेबल क्लेम को छोड़ देते हो कि भाई अब अगर वो ब्रांड नेम कोई और भी यूज कर रहा है तो मैं उसे कोर्ट में जाकर सू नहीं करूंगा, अब मेरा उस पर कोई एनफोर्सिएबल राइट नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप अपने ब्रांड नेम पर अपने राइट्स एक्शनेबल क्लेम को फॉरगो कैसे करोगे। ये भी उस नोटिफिकेशन में जो उसके साथ एनेक्स्ट्रा अपेंड किया गया है उसमें बताया है। उसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली तो आप अपने पैकेज पर ये क्लियरली इंडिकेट करोगे कि ये जो ब्रांड नेम है मैं इस पर अपने राइट्स को फॉरगो करता हूं, छोड़ता हूं। सेकेंड, आप इसके रिगार्डिंग एक एफिडेविट ये बताते हुए कि मैं वॉलेंटरीली स्वेच्छा से अपने सारे राइट्स इस ब्रांड नेम पर फॉरगो कर रहा हूं, वो अपने ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को सबमिट करोगे। अब यहां ट्रेड में प्ले हो रहा था, वो लोग यहां पर लूपहोल्स के साथ खेल रहे थे। कैसे? जीएसटी ऑफिसर्स ने एक गोडाउन पे रेड करी तो मिला कि सारा का सारा गोडाउन ब्रांडेड माल से भरा पड़ा है, लेकिन पूछने पर असेसी बताता है कि ये जो सारा माल गोडाउन में आपको दिख रहा है वो तो सेल्स रिटर्न है, जो माल मैंने सप्लाई किया वो सारा अनब्रांडेड था। इसके अलावा असेसी कंटेंट करता है कि मैंने इस ब्रांड नेम पर अपने राइट्स को फॉरगो कर दिया है, लेकिन वो ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को इसके रिगार्डिंग एफिडेविट ही नहीं देता या फिर अपने पैकेज पर नहीं लिखता। यहाँ रीसेंट त्रिपुरा हाईकोर्ट का जजमेंट वो बहुत रिलेवेंट है क्योंकि कोर्ट के सामने वहां पर ऐसे ही मिसचीफ थे। तो अब सरकार जो विचार विमर्श कर रही है वो इस बात पर कर रही है कि ऐसे मिसचीफ को, ऐसे टैक्स इवेजन को वो कैसे रोके, क्योंकि लीगल पोजीशन ये है कि कल भी अनरजिस्टर्ड फूड ब्रांड्स पर जीएसटी लगता था और आज भी लगता है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। सरकार सिर्फ इस टैक्स इवेजन को, इस मिसचीफ को कर्टेल करने के, रोकने के बारे में विचार विमर्श कर रही है कि ऐसे लोगों को हम ये एग्जेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट क्यों दें, उसे कैसे रोका जाए। तो अगर आप अनरजिस्टर्ड फूड ब्रांड यूज करते हो तो आप पर 5% जीएसटी कल भी लगता था और आज भी लगता है, अनलेस आपने उस पर अपने, उस ब्रांड नेम पर अपने एक्शनेबल क्लेम या एनफोर्सिएबल राइट जिसे कहते हैं उन्हें छोड़ दिया हो,
फॉरगो कर दिया हो, वो भी वैसे जैसे कि सरकार ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यूनिट कंटेनर क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरर का नाम भी ब्रांड नेम हो सकता है, इसके अलावा क्या ब्रांड नेम को पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर ही लगाना जरूरी है, अगर ऐसा ना हो तो। इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, सो प्लीज मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी देखें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।